यदि आप भी बिहार बोर्ड से 11th का एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम जो है, जिसको टेस्ट इंटरनल एग्ज़ाम या टेस्ट परीक्षा बोलते हैं, ठीक है, उनका आयोजन किया जा रहा है जैसा कि आप सभी को पता है, और आप भी जो है ना 11th का जो है टेस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैंने आपको जो है ना वीडियो जो है ना ऑब्जेक्टिव का पूरा सोल्यूशन करा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है ना पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का देख सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो है ना फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन दिया गया है सब्जेक्टिव का, मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, और उसके साथ साथ ये भी बताऊँगा यदि अगर है ना आपको है ना इस क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड करना है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव को भी देखना है आंसर के साथ समझे, तो उन सभी को है ना कहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी को है ना इस वीडियो में कवर करने वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके है ना पूरा सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया गया है उनका सही उत्तर और सही विश्लेषण के साथ मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देखिए सभी जो भी क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ समझिए सेक्शन ब आपको इसी तरह आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, सेक्शन ब, और इसमें लिखा हुआ है समझिए कि किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, और उसके लिए जो है यहाँ पर 2 अंक आपको मिलेगा, मतलब एक प्रश्न अगर आप जवाब देते हैं एक प्रश्न का तो आपको 2 अंक मिलेगा, 2 प्रश्न का जवाब देते हैं तो 2 अंक इसमें भी मिलेगा, 3 नंबर का प्रश्न का जवाब देते हैं 2 नंबर इसमें मिलेगा, मतलब टोटल प्रश्न इसमें जो है ना 2 नंबरी में जो भी प्रश्न पूछा गया वो 18 प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से आपको जो है ना 10 प्रश्न का उत्तर ही देना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है तनी हुई डोरी या तार को इसकी लंबाई के लंबवत कंपित करने पर कैसी तरंग का उत्पन्न होती है व्याख्या कीजिएगा, ठीक है, ये आपको बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताया ध्वनि के व्यक्तिकरण की परिभाषा दे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते हैं, परगामी का तथा अप्रगामी तरंगों के बीच अंतर लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं तरंग की चार तरंग धर एवं आवृत्ति के बीच संबंध स्थापित किए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन में दिया ऊष्मा विकिरण के लिए किरचॉफ के नियम का व्याख्या कीजिए। उसके बाद चक्रीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक एक करके इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तो यह भी बताऊंगा 100% दिखाऊंगा कि क्वेश्चन आप कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझिए। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इनमें से मैंने टोटल जो है 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है समझिए, जिनमें से यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ समझिए वो उत्तर कैसे देना है, किस तरह से आपको एग्जाम में देना है, कैसे लिखना है वह भी बता दूंगा, ठीक है। वीडियो का शुरू से बस लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के सबके पास, ठीक है। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो है ना आपका टेस्ट एग्जाम के लिए यहाँ पर दिया गया है समझिए, और यहाँ पर सारा का सारा जो आंसर आपके पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन सजा कर मैं रख दिया हूँ ताकि आप इसमें से क्वेश्चन देखकर और इसका आंसर आप लिख पाए, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब नहीं दिया क्योंकि है ना आपको 10 प्रश्न का ही जवाब देना है, तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और 2 का जो इसका आंसर होगा तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ उसी तरह से जो ना आपको है ना लिखना है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 2 का जो इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 2 यहाँ पर 2 का जो सही आंसर दिया ना यहाँ पर यहाँ तक दिया गया, इतना ही आपको है ना एग्जाम में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर दिया गया यहाँ पर से कुछ इस रूप में दिया गया, यहाँ से ना आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% मैं बोल रहा हूँ आपको PDF में डाउनलोड करके बताऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 के जो बढ़ते हैं तो 6 का जो जवाब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, 8 की तरफ बढ़ते हैं और 8 का जो जवाब है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ना आपको मिला दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 का जो जवाब है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का जो जवाब है वो इस रूप में जो है यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं सबकी, क्योंकि इन्हें सब 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है बर्नौली परमेय का जो सिद्धांत लिखना था उसके बारे में दर्शाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार का है और थोड़ा बहुत लंबा है समझिए, इस तरह से मैंने आपको है ना
सजा कर दे दिया हूँ ताकि आप आराम से ले पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 की तो बढ़ते हैं, और 13 का जो जवाब दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बढ़ते हैं, और 14 का जो प्रश्न का उत्तर जो दिया हुआ है यहाँ से आराम से देख सकते हैं। इसका सभी सभी क्वेश्चन जो ना ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने जैसा कि सबसे पहले आपको बता दिया। ठीक है, न्यूटन का गति द्वितीय नियम जो है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का आपको प्रतिपादन करना था, उसका व्याख्या करना था, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल मैंने 10 प्रश्न कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ क्वेश्चन जो है ना कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप गूगल में आना है, जो इस चैनल का नाम है इस तरह से आपको सर्च करना है। ठीक है, जब मैं आपको बताऊँगा उसे सर्च करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी, जो इस चैनल का नाम पॉइंट ऑफ स्टडी, इस तरह से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर गौर से देख लीजिए, और जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ऐसे स्टेप आपको फॉलो करना है, तब जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी डॉट कॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहा है, आपको दिख रहा भी होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। 11th सेक्शन में जाना है। ठीक है बाबू, 11th सेक्शन में, जैसे यहाँ पर देखिए सिलेबस का, स्कॉलरशिप का, उसके बाद मॉडल पेपर का, एडमिट कार्ड का, यहाँ पर सेक्शन दिया है, उसी तरह से एक सेक्शन 11th का बनाया है। यहाँ देखिए 11th सेक्शन में जाना है। ठीक है, और आर्ट्स के या हो या साइंस के हो या कॉमर्स के हो, सभी छात्र छात्राएँ जो है ना सबके लिए सेम है। तो आप जिसमें भी है ना, आपको है ना, मैं बता रहा हूँ, जो भी है ना छात्र जो, जैसे हम अभी मैंने फिजिक्स का बताया, तो उन सभी छात्र छात्राओं का साइंस का होगा तो साइंस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। ठीक है, आर्ट्स वाले होंगे तो आर्ट्स वाले पर क्लिक करना, कॉमर्स वाले होंगे छात्र कॉमर्स वाला पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए एग्ज़ाम रूटीन अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक हेयर पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम रूटीन। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और देखिए फिजिक्स का मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया, तो फिजिक्स पर आपको क्लिक करना है, फिजिक्स के सामने सामने क्लिक हेयर लिखा उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिजिक्स के जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको मैंने पहले बताया हूँ उसका यहाँ पर सारा का सारा दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिजिक्स का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, आप देखिए फिजिक्स का जो ना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और बढ़ेंगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके सामने सामने क्लिक किया लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके जो है ना आप आराम से, जैसे मैंने आपको जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस तरह का जो है ना आपको है ना सब्जेक्टिव जो है ना खुल जाएगा, और यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वही चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए थे चैनल को सब्सक्राइब